जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी कीमा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम कीमा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। मैं पहले इसमें कढ़ाई में ये कीमा डाल दूंगी। कढ़ाई में मैंने कीमा डाल दिया है, 800 ग्राम कीमा था हमारा, ये हमने डाल दिया है। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, जिसे खाना बनाना नहीं आता वो भी इसे आसानी से बना सकता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में कीमा डाल दिया है। इसमें डालूंगी मैं 3 प्याज लिए मैंने, बड़ी चॉप कर ली इन्हें, तो मैं इसमें डाल दूंगी। और 2 मीडियम साइज़ के यहाँ मैंने टमाटर भी कट कर लिए, रफली कट किए हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच डाली है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला, ये होममेड गरम मसाला, घर का पिसा हुआ। तो इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है ये, 1/2 ही चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 ग्लास पानी, गैस को ऑन कर लेंगे। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस अभी इसमें हम यही डालेंगे, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे हम इसका। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। ये लाहौरी कीमा इतना इजी है, जिसे खाना बनाना नहीं आता वो भी इसे आसानी से बना ले, और माशाल्लाह इतना टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। इन सब को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। कीमे में बॉयल आना शुरू हो गया है, बस 2 मिनट के लिए हम इसे थोड़ा सा खुला ढक्कन कवर नहीं करेंगे, खुला ही बनाएंगे, फिर हम इसे कवर करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे कीमे में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे, इसे हम कवर करेंगे 20 से 25 मिनट के आसपास हम इसे कवर करेंगे, जिससे हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो हम इसे कवर कर देते हैं, एक बार बीच में मैं चलाऊँगी भी, और बस अच्छे से गल जाए हमारा कीमा, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करते हैं। यहाँ तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पे कीमा हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। देखिए प्याज और टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं, और इसे बस थोड़ा सा पानी है, तो इसे हम सुखा लेंगे पानी को भी। बीच बीच में मैंने देखा इसे खोल खोल के, चेक भी किया था मैंने। देखिए बस थोड़ा पानी हो गया, बस थोड़ा सा इसे भून लेंगे हम। देखिए पूरा पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे, तड़के की तैयारी करेंगे, हम इसको तड़का लगाएंगे कीमे को। चलिए हम तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, जिससे हम कीमे में तड़का लगाएंगे। उसमें हम डालेंगे बटर 1 बड़ा चम्मच। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और 4 लौंग। हम इसमें डालेंगे कीमा, कीमे को हम इसमें डाल देंगे बटर में। ये कीमे को हमने बटर में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे हम, तेल। ये 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिए हैं, तेल भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब तकरीबन 10 मिनट हम इसको बटर और तेल के साथ भुनाई करेंगे अच्छे से। हम भुनाई अच्छे से करेंगे, जिससे कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए बटर और घी में। तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे इसे। हमें कीमे को अच्छे से भून लेंगे, जिससे ये वो कीमे में जो पानी होता है स्मेल आती वो नहीं आएगी, और अच्छे से भूनेंगे हम इसे, जिससे ये खुश्क हो जाए। कीमे को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं कीमा खुश्क हो चुका है हमारा, और अच्छे से भुनाई हो गई। अब हम इसमें डालेंगे दही डालेंगे हम, साथ में हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको हम भून लेंगे 5 से 7 मिनट के भुनाई कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को
फुल करेंगे हम, हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। दही डाल के मैंने 10 मिनट तक भून लिया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कीमे में कितने मतलब बटर और जो घी तेल हमने डाला था वो सब उन्होंने छोड़ दिया। और कितना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा कोथमीर, हरा धनिया डालेंगे हम इसमें ऊपर से, हरी मिर्च डाल देंगे हम ऊपर से। ये तैयार हो चुका है हमारा लाहौरी कीमा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये हमने प्लेट में निकाला, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और अगर आप भी ये ट्राई करेंगे तो सब आपसे ज़रूर पूछेंगे आपने ये कैसे बनाया है। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करें लाहौरी कीमे को। हमें ज़रूर लाजमी कमेंट में ज़रूर आप बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। अब हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे कीमे पे, और अब हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। माशाल्लाह ये लाहौरी कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर हमें लाजमी दें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।